एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल फॉर साड़ी एंड शॉर्ट हेयर के लिए। छोटे बाल हैं तो आप इस तरीके का हेयर स्टाइल कर सकते हो, काफ़ी प्यारा लगेगा। अगर आपके पतले बाल हैं तो कैसे आपको आगे से मैनेज करना है हेयर को, वो भी बताने वाली हूँ। तो इससे पहले ये वाला मेकअप जो मैंने किया है, ये सिर्फ और सिर्फ कंसीलर से किया है, बहुत ही कम प्रोडक्ट में। अगर आपके पास मेकअप प्रोडक्ट नहीं है तो आप ऐसे मेकअप क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि मैं भी गाँव आई हूँ होली में, तो मेरे पास मेकअप प्रोडक्ट नहीं है, बस एक कंसीलर था, तो उसी से मैंने ये पूरा मेकअप लुक सेट किया है, क्रिएट किया है। तो कैसे किया है वीडियो डिटेल में अपलोड हो चुकी है, तो जाके चेक कर लीजिएगा। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। हेयर स्टाइल के लिए पहले मैंने अपने बालों को ओपन किया, तो आपको पता होगा कि मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो मैंने इस हेयर स्टाइल के लिए पहले सेंटर से पार्टीशन किया है बालों की, तो आपको भी सेम इसी तरीके से करना है। और भी छोटे बाल हैं तो भी आप इससे ये वाला हेयर स्टाइल कर सकते हो, एंड लंबे बालों पर भी कर सकते हो। तो इसके लिए करना क्या है, आपको फ्रंट से पहले यहाँ से हेयर को इस तरीके से उठा लेना है और थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे हम लोग फ्रेंच चोटी बनाते हैं वैसे आपको बालों को चोटी को स्टार्ट करना है, बट आप फ्रंट से लेयर इस तरीके से छोड़ दीजिएगा। इससे आपके फेस को एक अच्छा सा फ्रेम मिलेगा और आपका जो लुक है वो भी काफ़ी प्यारा लगेगा। तो लेयर इस तरीके से छोड़ देना है और इस तरीके से दोबारा से फ्रेंच चोटी बनाना स्टार्ट करेंगे और थोड़ा थोड़ा लेयर लेके इसके साथ मिक्स करते जाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से, और सामने से थोड़े थोड़े हेयर को छोड़ते जाएंगे, ताकि जो आपका फेस है तो वो थोड़ा कट हो जाए और अच्छा लुक आए। देखिए इस तरीके से थोड़े थोड़े हेयर को छोड़ते जाएंगे और फ्रंट चोटी बनाते जाएंगे एक साइड से, और पूरा ईयर तक के हेयर को इसी तरीके से चोटी में गूंथ लेंगे। तो इस तरीके से मैंने गूंथ लिया है, एंड बाकी बचे हेयर को भी सिंपल चोटी बना लेंगे। और चोटी बनाने के बाद से एक साइड से, जिधर से हमने फ्रंट चोटी नहीं बनाई है, उधर से बालों को कुछ इस तरीके से खींचना है, जिससे कि थोड़ा वॉल्यूम दिखे आपकी चोटी में। और सेंटर में ले जाके बैक साइड में आपको इसको क्लिप से सेट कर देना है। बॉब हेयर कट पे भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा ये हेयर स्टाइल। तो यहाँ से निकल गया था, बट आप अच्छे से सेट कर लेना, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से बनाना है। दूसरी साइड से भी स्टार्ट करेंगे, उसके लिए आपको फ्रंट से इस तरीके से लेयर को छोड़ देंगे, फिर थोड़ा सा हेयर उठाएंगे और इस तरीके से थ्री लेयर्स में डिवाइड करके और फ्रंट चोटी बनाना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। थोड़े थोड़े हेयर को फ्रंट से छोड़ते जाना है और थोड़े थोड़े हेयर उठा के इस तरीके से चोटी में मिक्स करते जाएंगे। फ्रंट का हेयर साथ में आ रहा था तो उसको निकाल देना है दोबारा से, और इस तरीके से चोटी को बनाते जाएंगे। और काफ़ी आसानी से, अगर आपको बिल्कुल हेयर स्टाइल बनाना नहीं आता है तो भी आप ये वाला हेयर स्टाइल बना लोगे और काफ़ी प्यारा लगेगा, काफ़ी अट्रैक्टिव और बहुत इजी है। देखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन कोई भी इसको बना सकता है। ईयर तक के हेयर को इस तरीके से चोटी में लेना है, उसके बाद आपको सारे बालों को जितना हमने हाथ में लिया हुआ है उनको सिंपल चोटी बना देनी है। जहाँ तक हमारा पहला लेयर था वहाँ तक इसको गूंथना है, उसके बाद से थोड़े थोड़े हेयर को इस तरीके से खींच लेंगे और जिधर हमने पहले क्लिप लगाया था सेम उसी पे इस वाले हेयर को भी रख के क्लिप को लगा देंगे, उस क्लिप को क्रॉस करते हुए, ताकि हमारा क्लिप टाइट हो जाए और जो हमारा हेयर स्टाइल है वो लंबे टाइम तक टिका रहे, खुले नहीं। इस तरीके से क्लिप लगा दिया है। अब आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, चाहो तो बैक में एक छोटा सा जूड़ा बनाओगे, जिससे कि आपका हेयर स्टाइल जो है वो काफ़ी प्यारा लगेगा और अट्रैक्टिव लगेगा। तो छोटे बालों में अगर आप कोई हेयर स्टाइल ढूंढ रहे हो तो ये हेयर स्टाइल बेस्ट रहेगा आपके लिए। और ये मेकअप की वीडियो भी अपलोड हो गई है बहुत कम प्रोडक्ट में गाइस, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से फ्रंट से लेयर को लेना है और नीचे से ईयर के पास से मैंने इस तरीके की इयररिंग्स डाली थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी ये, और बहुत लाइट वेट है, मीशो से लिया था। आप इसको चाहो तो ले सकते हो, अच्छा है। जिनके ईयर कान मतलब भारी इयररिंग्स नहीं पहन पाते हो तो ये देखने में हैवी लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा हल्का है। और सेंटर से मैंने हेयर को इस तरीके से कान के पीछे रखा था। अब बैक में क्या करना है, बैक में आपको इस तरीके से, आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, बट बैक में मैंने थोड़ा सा बना लिया था हेयर स्टाइल, तो उसके लिए पहले मैं इस तरीके से घूम जाती हूँ और थोड़े से हेयर को जहाँ पे जो क्लिप में लिए हुए हेयर है वही वाले जो दोनों साइड से हमने चोटी बनाई थी उसको लिया है और इस तरीके से चोटी गूँथ ली है। इस तरीके से चोटी गूंथ के पूरा एंड तक चोटी को गूंथ देना है। और जो हमारी क्लिप है उसके ऊपर ही इस तरीके से इसको लपेट देंगे
और यू पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। इस तरीके से यू पिन लगा देंगे, दो चार लगा लीजिएगा। सॉरी, मेरा घर एकदम रोड पे है जिसकी वजह से बस गाड़ियों की आवाज़ आती रहती है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और इस तरीके का हेयर स्टाइल हमारा बन के रेडी हुआ है, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि पसंद आया, और हेयर स्टाइल आपको भी, और मेकअप का पूरा डिटेल वीडियो अपलोड हो चुका है तो वो भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो कैसा लग रहा है आपको ये हेयर स्टाइल, आई होप कि पसंद आया हो। और जिनके भी बाल छोटे हैं, पतले हैं, उनको ये हेयर स्टाइल शेयर कीजिएगा, अगर वो हेयर स्टाइल बनाने में कन्फ्यूज है। लंबे बालों पे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और जो मेरा फाइनल लुक था हेयर स्टाइल बनाने के बाद, और वो कुछ इस तरीके का था। ऐसे मैंने बिल्कुल हल्की सी लाइट वेट की साड़ी पहनी थी और इस तरीके का मेकअप किया था। जो हेयर स्टाइल है वो आपने देख ही लिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो आप लोगों से मिस ना हो और सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख पाओ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ये छोटी सी वीडियो मैंने ली थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और इसके साथ मैंने होली के लिए वीडियो बनाई थी, जो इंस्टाग्राम पे अपलोड हो चुकी है। इंस्टा आईडी प्रीत तिवारी 24 है। सेकंड चैनल पे सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज आपको मिल जाएंगी, सिलाई की बारीकियाँ, ड्रेस डिजाइनिंग, स्टाइलिस्ट क्लॉथ्स कैसे पहनते हैं, कैसे फिगर के साथ कैसा ड्रेस आपको सूट करेगा, सारी चीज़ें डिटेल में अपलोड है, तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। और मेकअप के लिए होली पे भी मैंने मेकअप किया था, उसकी भी वीडियो अपलोड हो चुकी है तो वो भी जाके देख लीजिएगा, मैरून कलर की साड़ी के साथ। और बिल्कुल कम प्रोडक्ट में सिर्फ कंसीलर से कैसे मेकअप करें उसकी भी वीडियो अपलोड हो गई है तो वो भी जाके देख लीजिएगा। तो कैसा लग रहा है मेरा लुक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किसने ट्राई किया मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जिनको हेयर स्टाइल बनाने में एंड मेकअप क्या प्रोडक्ट नहीं है और मेकअप करना है, तो आप इस तरीके से मेकअप कर सकते हो। तो ये मैंने ली थी कुछ पिक्स, और छोटा सा वीडियो लिया था हेयर स्टाइल बनाने के बाद, तो इस तरीके से मैं दिखा रही थी हेयर स्टाइल को। तो कैसा लग रहा है आपको, नीचे से हेयर कट करने लायक हो गए हैं तो बहुत जल्दी कट करूँगी और वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मेरा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। फिर लेके आऊँगी एक पतले हल्के बालों में बन हेयर स्टाइल डोनट बन की मदद से, तो वो भी देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये वाला हेयर स्टाइल भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।